हाय गाइज, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस डेटा। गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉइड फोन के माइक को अपने स्पीकर के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि आप अपने बोलेंगे फोन में लेकिन आवाज आएगी आपके स्पीकर से। इसके लिए जरूरी है जस्ट आप एक ब्लूटूथ स्पीकर यूज कर रहे हो। आजकल ज्यादातर लोग ब्लूटूथ स्पीकर यूज कर रहे हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने अपना जो स्पीकर है वो अपने फोन से कनेक्ट कर रखा है, अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने स्पीकर से साउंड यहाँ पे क्रिएट करके बताता हूं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ फोन और स्पीकर आपस में कनेक्टेड हैं। फिर हम जो नेक्स्ट टास्क है हमारा कि हाँ मैं बोलूंगा इसमें लेकिन आवाज आएगी इसमें। ठीक है, तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे मैं आपको बताऊंगा। काफी जगह जरूरत पड़ जाती है, कोई ओकेजन हो कहीं पर हमें अपनी आवाज से कुछ अनाउंसमेंट करना हो, बच्चों के साथ खेलना हो, या फिर आपको गाने का शौक है तो आप अपने फोन में गा सकते हैं और स्पीकर से आवाज निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, यहां पर मैं एक सॉन्ग प्ले करता हूं। ठीक है, आपको थोड़ा पास से सुना देता हूँ, माइक थोड़ा अपना पास भी ले जाता हूँ। ठीक है, तो स्पीकर से मेरे आवाज आ रही है यहाँ पे। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फोन में जो बोलूँ वो मेरे स्पीकर से आवाज आए। तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए काफी सारी एप्स हैं यहाँ पर जो ब्लूटूथ लाउड स्पीकर के लिए यूज होती हैं। तो यहाँ पर आप भी एक ऐप का यूज करेंगे, जस्ट आपका फोन आपके स्पीकर से कनेक्ट होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ। तो यहाँ पे जस्ट आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे ब्लूटूथ एंड लाउड स्पीकर। ठीक है, इस तरह की काफी सारी ऐप है, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप इसी ऐप को यूज करें, इस तरह की काफी सारी ऐप है, आप उनका यूज ले सकते हैं। इस ऐप को 1 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है और हम भी यहां पर आपको डाउनलोड करके यूज करके बताएंगे। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये ऐप है, इसका सिंबल आप देख लीजिए और इस ऐप को हमने यहां पे इंस्टॉल कर लिया है, हमारे फोन में यहां पे इंस्टॉल हो रही है। विमलॉक के द्वारा बनाई हुई ऐप है, इसको ओपन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्पीकर है वो हमारे फोन से ऑलरेडी कनेक्टेड है और ऐप का इंटरफेस आप देख रहे हैं। ठीक है, यहां पे कुछ डेमो, यहां पे आप इस ऐप से म्यूजिक भी इसमें प्ले कर सकते हैं अगर आपके फोन मेमोरी में हो। हालांकि आजकल तो हम जियो सावन वगैरह जैसी ऐप का यूज लेते हैं, विंक ऐप का यूज लेते हैं, फिर गाना ऐप का यूज लेते हैं गाना बजाने के लिए, लेकिन इस ऐप में भी आपको सुविधा मिलती है कि आप अपने फोन स्टोरेज से स्पीकर के थ्रू साउंड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, डोरबेल। ठीक है, यानी कि डोरबेल पे मैंने टैप किया तो डोरबेल यहाँ पे बज जाएगी, हैप्पी बर्थडे म्यूजिक यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये हैप्पी बर्थडे म्यूजिक है। साथ ही साथ इसकी एक खास बात ये है ऐप की, अगर कोई गाना ऑलरेडी प्ले हो रहा है तब भी आप बैकग्राउंड में अपनी आवाज अपने स्पीकर के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि अपने स्पीकर के थ्रू आप अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं ज्यादा दूर तक। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लूटूथ माइक नीचे लिखा आ रहा है, ब्लूटूथ माइक पर आपको टैप करना है। ब्लूटूथ माइक पे जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पे अलाउ करने के लिए बोलेगा, डिवाइस को आप अलाउ कर देंगे। ठीक है, तो मैं व्हाइल यूजिंग दिस ऐप कर रहा हूं और फिर वापस से टैप करता हूं। अब मैंने यहां पे इसको कनेक्ट कर दिया है अपने फोन से और जो आवाज अब आ रही है वो स्पीकर से आ रही है। ठीक है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे ब्लूटूथ माइक पे मैंने वापस से टैप करा तो वापस से अब कोई आवाज यहाँ पर आपको स्पीकर से नहीं आ रही, यहाँ पे सिर्फ इसी माइक से आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाते हैं कि हम अपने फोन का जो माइक है उसको अपने स्पीकर के लिए यूज ले सकते हैं। काफी जगह इसकी एप्लीकेशन काम आ जाती है, कई बार काम आ जाती है, हम भी इसका यूज लेते हैं कई ओकेजन पे। साथ ही इसमें आपको प्लेलिस्ट क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिलता है और अपनी जो आवाज है उसको रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। तो इस ऐप का यूज ले सकते हैं और इस तरह से डेवलप की हुई काफी सारी ढेरों ऐप है जिनका आप यूज ले सकते हैं। ये जस्ट एक नमूना था कि इस तरह से आप अपने फोन का माइक यूज ले सकते हैं। आई होप कि वीडियो की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।